कितना सब्जी लेके जा रही है, ये पूरा का पूरा बैग, पहला वाला बैग पूरा सब्जी, और यहाँ पे चावल और ऊपर सब्जी, और यहाँ पे ड्रेस वगैरह पता नहीं क्या क्या, और मेकअप का सामान पता नहीं क्या है। पूरा का पूरा पीछे का सीट भरा पड़ा है, पीछे मान लो चार लोग आराम से बैठ सकते, तो चार लोगों का जगह ही गायब। तो आप लोग वीडियो पे पता नहीं चलेगा उतना, बट बैग सब बड़ा बड़ा बैग है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज एक छोटा सा ब्लॉग बना रहे हैं, उसको कुमलुंग छोड़ रहे हैं, कुमलुंग पे उसके घर पे छोड़ रहे हैं, तो घर पे छोड़ने जा रहा हूँ मैं, तो देख लेते हैं। छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे इधर से कुमलुंग तक, और कितना ही लंबा होगा, 25-30 मिनट का रास्ता है, तो चलो देख लेते हैं। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, और मैं ज़्यादा देर अगर वेट करूँ तो मैं बात ना करने का नाटक दिखाऊंगा, पर देखते हैं क्या होता है। आने दो उसको, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। पता नहीं आ क्यों नहीं रही है। एक जादू दिखाऊं? तेरे माँ की कसम, बात कर। एक साबुन लाने के लिए गया था, आधा घंटा लगता है। बंदी इतना लेट करती, क्या बोलूं? कुछ खाने का पीने का तो चीज लाया तो नहीं होगा। इधर मैं धूप पे लेके जा रहा है मुझे, फिर कुछ खाने पीने मैं का तो भी लेके नहीं जा रही। नहीं, 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 नहीं। ये क्यों लेके जा रही है? फेंक इसको, फेंक। तुमने बोला है करके, तो है तो अभी नहीं है तो मैं क्या करूं? वो पीछे कुत्ता था, उन लोगों को ही ना खिला देता। तो वैसे मेरे को देख रहा था। कौन? वो जो ऐसे वो कुत्ता। तो खिला क्यों नहीं देती? जल्दी जल्दी में दिमाग का सेंसर काम नहीं करता। तुमने बोला फेंको। दिमाग का सेंसर काम नहीं करता, फेंको तो फेंक दिया। मां से टुकरा ले दो दिन से भाई, क्या आज सुनिए सा ना बा माई बकरी मांसो बाइया। तो दो तीन टुकड़ा मांस लाया ही क्यों पता नहीं, उतना ही था सुंदर के लिए लाई थी, खाना नहीं था। तो वो तुम्हारे दो तीन टुकड़ा मांसों के लिए वो रहेगी क्या?
को खाती है। इतना गर्मी, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ आधे घंटे से। मत बोलो आधा घंटा, एक चीज 5 मिनट हुआ है बस, 5 मिनट मत बोलो, 5 मिनट, आधा घंटा तो हुआ ही होगा। नहीं, कब से इधर मैं खड़ा हूँ, खत्म ही नहीं होता, आता ही नहीं है। और बोलता है कि एक साबुन लाने जा रहा हूँ बस दुकान से। मैं तो बोल रहा हूँ कहाँ से हवा घुस रहा है, कहाँ से हवा घुस रहा है, मतलब इधर से हवा घुस रहा है। तो कपड़ा ऐसा पहनता ही क्यों है जो हवा घुसे, फुल पहनो मेरी जैसा। रास्ते पे रुके, माउंटेन ड्यू खरीदो, माउंटेन ड्यू नहीं, सुनो एक काम करते हैं, मैं तो ड्यू पीऊंगी। नहीं ड्यू नहीं, मेरे लिए थम्स अप खरीद लेना, ठीक है, 20 का। थम्स अप पे ज्यादा थोड़ा बहुत ज्यादा गैस रहता है तो अच्छा होगा। नहीं, मैं थम्स अप नहीं, मैं स्प्राइट पीने का मन कर रहा है। ज्यादातर तो ड्यू ही अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत सारा है नया ले लो, और नया मिल रहा है बोल के पकड़ के जा रहे क्या? नहीं लामा पाई जान बोले तो इससे क्यों कर, इससे क्यों, और पुराने पैसे से खरीदो, अगर नया पैसा इतना पसंद आता है तो। हाँ जी पे, फोन पे तो है ना, फोन पे तो मैंने सेटअप करके दिया था फोन पे पे, देखो कितना है, एसएमएस कर रहा है। लोगों का चुगली कर लेती हूँ। क्या चुगली? रुको, क्या लेना है तुमको? हाँ लेना है कुछ, अभी इस रास्ते में गाड़ी वाड़ी रोक नहीं सकता यहाँ पे जाके। तो तुम जाओ, मैं नहीं आ रही, तुम जाओ। मैं सामने जा रहा हूँ, सामने जाओ। भगवान का पूजा करने के लिए लोग रास्ते पे खड़े होके सब गाड़ी को रुक के पैसा लेते हैं। अगर सब लोग अगर 10 रुपए भी दे रहे हैं तो कितना पैसा होता है, तो नॉर्मल पूजा करने के लिए तो इतना पैसा तो नहीं लगता। सब तुम्हारे एरिया के लोगों से मांगो ना, जितना मांगना है या फिर जो लोग देगा तो देगा ही। सब गाड़ी को रुक क्या ताखुं। सब गाड़ी को रुक के पैसा लेना, ये कैसा रूल है? कोल्ड ड्रिंक बोलते इधर है माउंटेन ड्यू, जा लेके आ, फटाक से आना। फिर से आधा घंटा मत लगा, लगाऊंगी मैं तो, लगाऊंगी। और ये किसके लिए है? मम्मी, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। और नहीं वो उनको बिंगो सना के साड़ी मैं बिखा दे ले मांग रहा हूँ क्या सना के साड़ी को? आजकल गर्म ज्यादा हुआ आ गया है, बहुत जल्दी मतलब गर्म आ गया ऐसा फील होता है। अभी आज फरवरी का 24 फरवरी है आज है, बट आज इतना गर्मी है बाहर निकलने से, कार पे बैठने से तो एसी नहीं चलाने से तो गर्मी फील होता है, बट एसी चलाने का भी उतना ऐसा वाला सीजन नहीं आया कि एसी चला के जाए, तो एसी भी खत्म हो गया। एसी जो चलाओगे ना एसी भी खत्म हो गया, एसी का गैस खत्म हो गया, उसको भरना पड़ेगा। मेरा तो एक जो आता है ना एक बोतल वो वाला नहीं होता, 2 बोतल चाहिए मुझे, मतलब 2 बोतल मतलब एसी का जो गैस है वो 2 बोतल चाहिए। तो लेके आओ पेप्सी ही लेके आओ, हेलो पेप्सी ही लेके आओ, फिर आज कुछ काला पीने का मन हो रहा है। सुन रहे क्या? शुरू हो गया, कॉल करेगा बात नहीं करेगा अभी। पेप्सी नहीं है तो ठीक है, जो कोई भी कुछ भी लेके आ, थम्स अप या पेप्सी कोई भी, काला जल्दी आ। गर्मी है गाइस, बहुत गर्मी है। क्या लाई मेरे लिए? ये कलर अलग सा क्यों है? हेलो कुछ मिक्स करके लाई।
नहीं एकदम काला देखो ना, मतलब कि धूप पे देखने से और अजीब सा लग रहा है कलर, काला होने से मतलब कि ऐसा फील हो रहा है कि चॉकलेट कलर जैसा। तो ना फ्री इसलिए ड्यू अच्छा लगता है, पहले ड्यू भी छोटा था बट अभी बाद में अभी तो नया ड्यू आया बहुत बड़ा वाला, पहले भी छोटा ड्यू था ऐसा वाला छोटू सा। ये कौन सा हंसी है? करो दे तो वॉइस देने वाले थे ना, दे ना दे दे, क्या वॉइस देने वाले थे, किसको देने वाले थे? उनको वो शुभ्री वो तम से नहीं कामन चमनी दी कि वो शुभ्री वो आगे वो विशाल मार्केट नीगा ना वो कैसे जूता दुकान तो आ रहा वो जूता शुभ्र वो इस वक्त तो मत दिया अब ये भी चला गया, नाम भी चला गया। तुम्हारा तुम पियो, मैंने बोला ना आज कुछ काला काला पीने का मन हो रहा है, पी भी पाएगी क्या? कुल शैडो के लिए रखो, इतना गंदा लो कैसा फील। मैं ऑफर कर रहा हूँ, मेरा वाला थम्स अप पिएगी कि नहीं? नहीं 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 पियो, पी के देखो अच्छा लग, अच्छा लगता है, पियो पियो, बस मुंह मत लगाना, बस पियो। नहीं पीना ठीक है, नहीं पीना। तू दिखाई नहीं दे तू तेरे को तूने कल का न्यूज देखा? बुबाकरा रोया कल और देख नुखा अब बड़े तान से नहीं गई अंग तीन फूंगो नखना काम और देख मतलब पैलेस पे इंटरव्यू हुआ शायद वो नॉर्थ ईस्ट लाइव या पता नहीं कुछ चैनल का मतलब कि पैलेस पे ही बुभाग्रह है शायद अभी त्रिपुरा पे तो इंटरव्यू हुआ वहाँ पे बहुत सारा बात हुआ मैं देखा था पर सब देखा नहीं अभी खत्म नहीं हुआ इंटरव्यू मतलब फुल देख नहीं पाया। तुम चाहे लाल मोहन बनाओ या फिर तुम क्या बोलते हैं गुलाब जामुन बनाओ थोड़ा सा मीठा कम करके दो मेरे लिए तो वही बेस्ट है। ये बनाया ही है खुम्पु अकादमी के लिए ठीक है बच्चे लोग जब छुट्टी होगी जब बच्चे लोग छुट्टी होके जो रोड क्रॉस करके जाते हैं ना उसी के लिए ही बनाया है ठीक है। तो ये खुम्पु अकादमी का ओवरब्रिज हुआ है, दुकमाली का भी नहीं है ये, खुम्पु अकादमी का है, किसी का हकदार नहीं है इस ब्रिज पे चढ़ने का विदाउट स्टूडेंट। सब खुम्पु अकादमी के जितना स्टूडेंट है वो लोग ही इस ब्रिज पे जा सकती है या फिर जा सकता है कोई भी हो। तुम्हारा घर का भी दो दो रास्ता है, कहीं से भी जा सकते हैं। क्या दो दो तीन तीन उधर का रास्ता भूल गया? बहुत अच्छा उधर से भी आ टी आई टी द एन आई टी और डिग्री कॉलेज और जगह और माता अंगार शुरू मनी। ये रास्ता इतना हिल रहा है ना, शाम के टाइम घूम लूँ बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो उसको छोड़ दिया, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, यहाँ पे रुका था, मेरा पेप्सी खत्म नहीं हुआ अभी तक।
इसको भी लेके जाऊंगा, यहाँ पे नहीं फेंकूंगा मैं। लेट्स गो, अभी सीधा अकेले अकेले घर। आने के टाइम पे बहुत ज्यादा बग 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 हो रहा था, अभी अकेले सीधा। और खुमलुंग पार्ट तो अभी बहुत सुंदर हो गया होगा, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी इस टाइम में जो फ्लावर फूटता है ना, जो ब्लूम होता है, तब जाके बहुत अच्छा लगता है खुमलुंग पे। बट इस साल का हम एक बार भी नहीं गए खुमलुंग पे, तो देखते हैं टाइम मिलने से जाएंगे एक दिन। खुमलुंग पार्क के रास्ते पे ही हूँ मैं, देखो इधर ही पार्क का रास्ता जाता है। लोग है, बहुत सारे लोग है, बहुत सारा बाइक है, बहुत सारा कार है। अभी सीधा घर, ज्यादा शूट नहीं होगा। और आज के ब्लॉग में उतना ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस हम दोनों का बग ओवर। नॉर्मली हम दोनों जैसे जाते हैं कहीं पे जाना होता है तो जिस तरीके से बात होता है वही, और कुछ ब्लॉग करेंगे उस हिसाब से नहीं बनाया, बस ऐसे वीडियो शूट कर करके आया। और यहाँ पे ये खुला हुआ है, अभी तक एक बंद नहीं हुआ, अभी तक बहुत टाइम से ये चल रहा है ये। तो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता देना, और मैं यहाँ पे ब्लॉग खत्म कर देता हूँ, बाय बाय। तो गाइस बच्चे लोग यहाँ पे लोकल है बोल के ऐसे ही बिना हेलमेट पहन के चला रहा है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि जितना भी लोकल हो या फिर जो भी हो, यहाँ पे खुमलुंग की रास्ता बहुत ज़्यादा खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चा लोग जो चलाते हैं ना, स्कूटी हो या फिर जो बाइक हो, जो स्कूटर हो, जो भी चलाते हैं, बट बिना हेलमेट के ही चलाते हैं मैक्सिमम जितना देख रहा हूँ। तो हेलमेट पहन के चलाओ, अगर कुछ हो तो सेफ्टी इम्पोर्टेंट है फर्स्ट। और यहाँ पे लोकल है बोल के तो हेलमेट नहीं पहनते, मैक्सिमम लोग हेलमेट नहीं पहनते यहाँ पे, बट हेलमेट पहनो, बट वो लोगों के लिए नहीं, उनके लिए काम आएगा। देखो जितना लोग को देख रहा हूँ, जैसा लोग हेलमेट नहीं पहनते, बट पहनो गाइस, ये अगर कुछ हो तो। बट चलाते भी अगर बच्चे लोग उधर में भी बहुत ज़ोर से चला रहा था भाई, अगर कुछ होने से तो हाईवे की बात नहीं है, लोकल एरिया की भी बात नहीं है, बट एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है ना, तो हेलमेट पहन के चलाओ, वही बात है।